नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो वर्तमान हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, दोस्तों मानव इतिहास में अब तक लड़े गए सबसे भयावह युद्धों में से एक माना जाता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ये युद्ध इतना विनाशकारी था कि केवल 18 दिनों तक चलने के बावजूद इसमें लगभग 80% भारतीय पुरुष आबादी की मृत्यु हो गई। महाभारत ग्रंथ की 1/4 से अधिक हिस्से में मात्र इस युद्ध का वर्णन ही किया गया है। अब दोस्तों, महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त नहीं होती, बल्कि महाभारत की कहानी तो युद्ध के बाद शुरू होती है। माना जाता है कि वर्तमान युग महाभारत की ही देन है। महाभारत को हिंदू धर्म का 5वां वेद कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाभारत के अनसुने रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं महाभारत के 9 रहस्यों के बारे में। तो आज हम सबसे पहले महाभारत के परिणाम की ही बात करते हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडव संख्या में कम होने के बावजूद जीत गए और कौरव संख्या में पांडवों से अधिक होने के बाद भी हार गए। इसका कारण उनके कर्म को माना गया है, नीति और अनीति की राह पर चलने को माना जाता है, विधि के विधान के पक्ष और विपक्ष में खड़े होने को माना गया है। पांडव युद्ध जीत गए और श्री कृष्ण ने पांडवों में सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक करवा दिया। जिनका राज तिलक स्वयं भगवान के हाथों हुआ हो, उनका विनाश कैसे हुआ? क्या हुआ जब हस्तिनापुर की राजगद्दी पांडवों के हाथ में आ गई? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया? वो आखिर कैसे मर गए या वास्तव में उनकी हत्या कर दी गई? और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान कृष्ण के साथ क्या हुआ? ऐसे कई सवाल मन में उठते हैं, तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों, नंबर 1, राज तिलक और शाप का संबंध। कुरुक्षेत्र का युद्ध जीतने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का शासन मिला। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का महाराज बनाया गया, लेकिन दूसरी तरफ गांधारी एक दुखी त्रस्त महिला के रूप में विलाप कर रही थी, अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का शोक मना रही थी। जब युधिष्ठिर को सिंहासन सौंप दिया गया और श्री कृष्ण का हस्तिनापुर से विदाई लेने का समय आया, तब वो गांधारी के पास गए और गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके वंश का अंत हो जाने का शाप दे दिया। नंबर 2, पांडवों का राजकाज। जानकारी के अनुसार महाभारत के बाद हस्तिनापुर पर पांडवों ने 36 वर्षों तक शासन किया था। इस बीच गांधारी का शाप अपना असर दिखाने लगा और श्री कृष्ण की नगरी द्वारका में एक अशुभ घटना घटी। वहां एक उत्सव के दौरान सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे की हत्या करने लगे। ये घटना सोमनाथ के समीप प्रभास क्षेत्र में घटी थी। अब दोस्तों, नंबर 3, श्री कृष्ण पृथ्वी लोक से चले गए। उधर प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों के एक दूसरे को मार डालने के बाद पहले बलराम जी अपने लोक को वापस चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण वहीं प्रभास क्षेत्र में एकांतवास में रहने लगे। एक दिन वो ध्यानावस्था में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तभी जरा नाम के एक शिकारी ने गलती से उनके पैर में तीर मार दिया और श्री कृष्ण ने वो मानव देह त्याग दी। भगवान कृष्ण के बैकुंठ लौट जाने के बाद देवऋषि वेद व्यास ने अर्जुन को बताया कि श्री कृष्ण और उनके भाइयों का जीवन समाप्त हो गया है। नंबर 4, दोस्तों गांधारी के 99 पुत्र थे, तो कौरव 100 कैसे कहलाए? आप जानते हैं कौरव 100 भाई थे, लेकिन गांधारी ने धृतराष्ट्र के केवल 99 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया और कौरवों की इकलौती बहन का नाम दोस्तों दुशल्ला था, जबकि कौरवों का एक भाई युयुत्सु एक दासी का पुत्र था। और इस प्रकार कौरव, युयुत्सु और दुशाला के साथ 100 भाई और एक बहन थी। दोस्तों, युयुत्सु ने महाभारत का युद्ध पांडवों की ओर से लड़ा था और युयुत्सु ने ही द्यूत के खेल में द्रौपदी का अपमान करने से और वस्त्र हरण करने से रोकने के लिए बहुत प्रयास भी किया था। दोस्तों, नंबर 5, फिर हुई कलयुग की शुरुआत। जानकारी के अनुसार श्री कृष्ण जिस दिन बैकुंठ को लौटे, उसी रात को 12 बजे से कलयुग का आरम्भ हो गया था। वेद व्यास जी से श्री कृष्ण के पारायण की सूचना मिलने पर युधिष्ठिर अपने परपोत्र परीक्षित का राज तिलक करते हैं, फिर अपने सभी भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चले जाते हैं। महाभारत के अनुसार हिमालय से वो स्वर्ग चले जाते हैं और इस यात्रा में एक कुत्ते के रूप में आए यमदेव उनका मार्गदर्शन करते हैं। दोस्तों, नंबर 6, इस यात्रा का परिणाम। जैसे जैसे सभी पांडव हिमालय पर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, वो एक एक करके गिरने लगते हैं और उनकी आत्मा उनका शरीर छोड़ने लगती है। ये क्रम द्रौपदी के साथ शुरू होता है और भीम की मृत्यु पर समाप्त होता है।
उनकी मृत्यु के कारण उनकी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उनके गर्व के कारण होने वाली परेशानियों से जुड़े हैं। केवल युधिष्ठिर ही थे जिन्होंने किसी भी चीज पर गर्व नहीं किया। इस कारण केवल वही जीवित रूप में हिमालय के ऊपर स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर पहुंच पाते। नंबर 7, स्वर्ग और घटनाएं। स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर भगवान यम कुत्ते के रूप को त्याग कर अपने असली रूप में आते हैं और युधिष्ठिर को स्वर्ग में प्रवेश करने देने से पहले उन्हें नरक में लेकर जाते हैं। नरक में युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी को अपने पाप स्वीकार करते हुए देखते हैं तो उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं। इसके बाद भगवान इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाते हैं और उनसे वादा करते हैं कि उनके भाई और द्रौपदी भी जल्द ही स्वर्ग में स्थान ले लेंगे। दोस्तों नंबर 8, क्या सच में महर्षि वेदव्यास भारत के लेखक हैं? दोस्तों अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि महाभारत की किताब किसने लिखी थी। मुझे पता है कि आपका जवाब होगा कि महर्षि वेद व्यास ने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक अधूरा सच है। अब आप पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की कथा को सिर्फ बोला था, जबकि महाभारत का लेखन महादेव और पार्वती के पुत्र गणपति ने किया था। दोस्तों वेद व्यास कोई नाम नहीं है बल्कि एक उपाधि है जो वेदों के ज्ञान रखने वाले लोगों को दी गई थी। कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके हैं, जबकि वो स्वयं 28वें वेद व्यास थे, इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था। वो महाभारत में घटनाओं के साक्षी रहे क्योंकि हस्तिनापुर की तमाम घटनाओं की सूचना उन्हीं तक पहुंचती थी और वो उन घटनाओं पर अपनी सलाह भी देते थे। जब भी संघर्ष और संकट की स्थिति होती, माता सत्यवती उनके साथ चर्चा करने के लिए उनके आश्रम पहुँच जाती तो कभी हस्तिनापुर के राजभवन में उन्हें आमंत्रित करती थी। अब दोस्तों नंबर 9 पर, महाभारत में द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था? हम ये तो सभी जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु रहे थे। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे। महर्षि भारद्वाज एक महान वैज्ञानिक, चिकित्सक, तत्ववेदा और बहुत बड़े विद्वान थे। दोस्तों एक समय की बात है कि महर्षि भारद्वाज अपनी दिनचर्या के अनुसार गंगा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे। उसी समय धिताची नामक अप्सरा केवल एक पारदर्शी वस्त्र पहने हुए गंगा जी में स्नान कर रही थी। इतनी सुंदर और कामनी अप्सरा को देखकर महर्षि भारद्वाज उत्तेजित हो गए और उनका अवांछित वीर्यपात हो गया। उस समय वीर्य को न केवल जीवन के बीज के रूप में माना जाता था, बल्कि दूसरे शब्दों में पुरुष का वीर्य एक अति तेजस्वी और बलशाली संतान को जन्म देने में समर्थ था। महर्षि भारद्वाज ने इस वीर्य को व्यर्थ जाने देना उचित नहीं समझा। उन्होंने इस वीर्य को एक पत्ते के दोने में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा, द्रोण, यानी कि दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य पहले टेस्ट ट्यूब बेबी थे, जिससे साइंटिस्ट अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। तो दोस्तों ये तो हुए 9 रहस्य, लेकिन इसके अलावा महाभारत में और भी कहानियां पाई जाती हैं। आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों आखिर क्या था अश्वत्थामा के आज तक जिंदा होने के पीछे का असली कारण? दोस्तों इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत से लोगों को लगता है कि अश्वत्थामा को अभी भी जीवित मानना एक अंधविश्वास है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 5000 साल पहले पैदा हुआ था तो वो आज तक जिंदा कैसे हो सकता है? दोस्तों इस तरह के तर्क वही व्यक्ति कर सकता है जिसे ईश्वर पर या उनकी वाणी पर विश्वास नहीं है। अश्वत्थामा के आज तक जीवित रहने का रहस्य है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महाभारत के युद्ध में युगों तक भटकने का श्राप दिया था, और अश्वत्थामा के जीवित रहने का उद्देश्य ये है कि जब कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतार लेंगे तब अश्वत्थामा धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे। अश्वत्थामा युगों से भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अश्वत्थामा के अलावा 6 महापुरुष और हैं जो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना में भगवान कल्कि के साथ होंगे, अर्थात वो इस कलयुग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग से अब तक जीवित हैं, और वो सभी 8 सिद्धियों से और दैव्य शक्तियों से संपन्न है। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी नियम या वचन से बंधे हैं और हम मनुष्य की तरह ये भी आज कलयुग में रह रहे हैं। दोस्तों ये सभी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार द्वारा मोक्ष प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महाभारत में परमाणु बम हुआ करते थे? महाभारत के समय में भी परमाणु बम होते थे, तब शायद उन्हें ब्रह्मास्त्र के नाम से जाना जाता था। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी तो उसमें कुछ कंकाल मिले थे जिनमें विकिरण का प्रभाव था,
अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मास्त्र जो उस समय इतना विस्फोटक था वही परमाणु बम था? क्योंकि पुराणों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि जब भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता था तो पूरे ब्रह्मांड में एक तेज गर्जना सुनाई देती थी, हजारों उल्कापिंड आकाश से गिरने लगते थे, आकाश जल जाता था, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भयानक भूकंप आया है, हवा तेज गति से बहने लगती थी। सोचिए कि आज के आधुनिक युग से महाभारत काल का समय कितना दूर था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पांचजन्य शंख क्या है? दोस्तों ये शंख एक अत्यंत दुर्लभ शंख है। श्री कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य शंख था, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। महाभारत में श्री कृष्ण अपने पांचजन्य शंख से पांडव सेना में जोश भर देते थे और इससे कौरवों की सेना में भय पैदा हो जाता था, इसलिए इस शंख को विजय और यश का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि ये पांचजन्य शंख आज भी मौजूद है। ये हरियाणा के करनाल का बताया जाता है। कहा जाता है इसे करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में और कछवा और बहलोलपुर गांव के पास पाराशर ऋषि के आश्रम में रखा गया था, जहां से ये चोरी हो गया था। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख पाराशर ऋषि के मंदिर में रखा था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि आदि बद्री में आज भी श्री कृष्ण के शंख को सुरक्षित रखा गया है। तो दोस्तों इन सभी रहस्यों को सुनने और देखने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे महाभारत के बारे में? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी वीडियोस आप आगे भी देखना चाहते हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।